बात करें मार्केट की, मंडे मार्केट की, तो आज देख सकते हैं कि 311 पॉइंट से निफ्टी डाउन है। बट बिसाइड दिस, अगर आप देखेंगे तो एक अलग ही दुनिया, आईपीओ की अलग ही दुनिया चलती है। आज वो देखने को भी मिला, वो हम देखेंगे कि हर्षा इंजीनियर्स में क्या गजब का प्रॉफिट हुआ। इसका शॉर्ट मैंने लेके आया था और शॉर्ट पे आपको बताया था आईपीओ के बारे में। तो आज हम देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। तो आप देखेंगे हर्षा इंजीनियर्स जो इंटरनेशनल लिमिटेड है, वहाँ पर आप देखेंगे जो 330 का इशू प्राइस था, वो आज आपको यानी कि लिस्टिंग के दिन ही 47.42% का गेन दे दिया। सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि ये पूछ रहे हैं कि क्या करें, हम इसमें सेल करें या प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए। अलग अलग उनके डाउट्स हैं, उनके जो डाउट्स हैं वो मैं एक वाक्य, एक सेंटेंस में क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, आप अगर इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग मिल गया, को इसके स्टॉक मिल गए हैं, आपको प्रॉफिट मिला है 47%, तो यहाँ पर आज जो स्टॉक इतना वॉलेटाइल रहा, आने वाले दिनों में भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर हाई की बात करें तो आज हर्षा इंजीनियर्स ने हाई जो लगाया था वो 527.65 रुपये का हाई है, 430। क्लोजिंग में इसका था 486.5 पैसे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ वॉलेटिलिटी आपको एक हाई के बाद थोड़ा सा डाउन दिखा, फिर आप एक को ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ नज़र आया। तो फाइनली कंक्लूजन ये है मेरा कि अगर मुझे तो ये मिला नहीं, अगर मुझे ये आईपीओ मिलता तो डेफिनेटली, अगर 15,000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टेड अमाउंट को मैं क्या करता, यहाँ रहने देता और प्रॉफिट को बुक करता आज के डे। क्योंकि मैंने अगर इसमें आईपीओ अप्लाई किया है और इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट डेफिनेटली हक है मेरा, तो मैं यहाँ पर क्या करता, प्रॉफिट बुक करता, उसके बाद जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको छोड़ देता। अब क्या होता कि जब मैं जितना इन्वेस्ट किया हूँ, प्रॉफिट तो मैंने बुक कर लिया, यानी कि 15,000 से मेरा 7,000 अगर बन गया है, वहाँ पर मेरा 20,000 बन गया, तो 5,000 को रिडीम करता और 15,000 को वैसे ही एज इट इज़ छोड़ देता। उस पर भी गेन होता तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो मुझे ये दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मैं 5,000 to 7,000 जो प्रॉफिट ले चुका हूँ वो ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। वहाँ तक अगर गिरे, वॉलेटिलिटी देखे ये स्टॉक, तो डेफिनेटली देखे मुझे कोई दिक्कत नहीं, उतना इन्वेस्टमेंट फिर मैं कर देता अगर 5,000 to 7,000 यहाँ से मेरा अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट और डाउन होता। तो आपकी क्या राय, आप क्या कर रहे हैं, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप क्या इसे सेल कर रहे हैं या फिर होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, डेफिनेटली कमेंट्स कीजिएगा। चलते हैं और जानते हैं दूसरे स्टॉक को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।